दोस्तों आज की वीडियो आप गल करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PCS विच आई जॉब रिक्रूटमेंट की। दोस्तों काफ़ी वधिया और काफ़ी नंबर ऑफ ज़्यादा नंबर ऑफ जो जॉब वैकेंसी इस बार अनाउंस हुई हैं, तो पूरी डिटेल थोड़ा इस वीडियो में देव। जो सा चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सा चैनल जरूर सबसक्राइब करो। और PCS एग्जाम के रिलेटड कोई भी इनफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए ज तैयारी के रिलेटड कोई गलबात पूछनी है तो वीडियो में कमेंट करो। ओके दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आप सीधा मोटिव तो आने तो दसदा कि इस की एलिजिबिलिटी मंगी है तो कि पोस्ट अनाउंस हुई हैं। हाँ दोस्तों जो PCS एग्जाम हों पंजाब सब तो बेस्ट सरकारी नौकरी मनी जाती है। इस नोटिफिकेशन तुम देख सकते हो कि टोटल जो डिपार्टमेंट ने वह 9 डिपार्टमेंट भी यह जॉब वैकेंसी अनाउंस हुई हैं। तो अगे मैं तुम्हें मेरी मेरी गल्ला दस दिना, बाकी तुम खुद एक बार रीड करके इस चंकी तरह फिर इस अप्लाई कर सोचो। ओके दोस्तों इस तो बाद यह कैटेगरी के हिसाब न अगे एससीआई कि जो जनरल वास्ते कि पोस्टा ने OBC वास्ते कि पोस्टा ने सारी डिटेल इस दी हुई है, एक बार रीड जरूर कर लो। क्वालिफिकेशन की गल करिए दोस्तों इस नॉर्मल ग्रैजुएशन मंगी गई हो जैसे तुम्हें BA की हो BCA हो या BBA हो जो भी तुम ग्रैजुएशन की है अप्लाई कर सकते हो। कोई इस परसेंटेज की जरूरत नहीं है, जिनी मर्जी थोड़ी परसेंट है तुम अप्लाई कर सकते हो। ओके दोस्तों तो एक गल होर जी इस जो आप 10वीं की है उस अपना पंजाबी सब्जेक्ट होना लाजमी है, जिन्होंने नहीं की पंजाबी सब्जेक्ट नाल 10वीं पास वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगे एज लिमिट की गल करिए दोस्तों इतने इन्होंने साफ साफ मैनशन किया हुआ 21 साल तो लैके 37 साल का कोई भी कैंडीडेट इस अप्लाई कर सकता है। SC ST कैंडीडेट को एज ए गवर्नमेंट रूल छोड़ दी जाती है वो अलग। तो दोस्तों अगे इसकी सिलेक्शन प्रोसैस की गल करिए, जिम्मे कि तुम्हें पता है इस दो एग्जाम होंगे ने, एक प्रीमिलरी एग्जाम होंगे एक मेन एग्जाम होंगे। इतने इन्होंने मैनशन भी किया चैक कर सकते पहला एक तो प्रीमिलरी एग्जाम उस तो बाद मेन एग्जाम। तो जेडे फर्स्ट एग्जाम होंगे प्री एग्जाम होंगे उस दो पेपर हो गए, जनरल स्टडी और सिविल सर्विस जिन्हों सी सैट कह दें आप। टोटल 200-200 नंबर का यह पेपर होगा। जो आप क्लीयर कर लेने तो दूजा एग्जाम होंगे जोड़ा मेन एग्जाम वो देने वास्ते एलिजिबल हो जावे। तो प्री एग्जाम क्वालीफाई करने तो बाद जो सैकेंड एग्जाम होंगे वो मेन एग्जाम का होंगे। तो इस टोटल 7 पेपर होंगे ने, इतने तुम चैक कर सकते हो पूरी डिटेल कि जो सिलेबस है कि डिपार्टमेंट पिछों या कि टॉपिक पिछों एग्जाम होंगे इसकी जानकारी मैं तुम्हें अपनी नैक्सट वीडियो भी दिता रहा। ओके तो यह टोटल 1500 नंबर का होंगे जो क्वालीफाई करना बहुत जरूरी होंगे। दोस्तों हूँ आप गल कर लेने इसकी फीस की गल। दोस्तों जो SC ST कैंडीडेट ने उन्होंने टोटल फीस 1125 रुपए अपन अप्लाई करनी पवेगी। जो एक्स सर्विसमैन पंजाब ने उसकी 500 रुपये फीस है, तो अदर जो भी जनरल रहेगी OBC की कैटेगरी रहेगी उन्होंने 3000 रुपीस फीस रहेगी। तो पंजाब के जो हैंडीकैप्ट जो कैंडीडेट ने उन्होंने फीस 1750 रुपये रहेगी। तो जो लास्ट डेट आ फॉर्म अप्लाई करें 30/6/2020 है, उस तो बाद फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, बट जो फीस अप्लाई करेंगी वो 7/7/2020 तक दी। ओके दोस्तों मेन मेन गल तो मैं इस वीडियो में दसती है, बाकी जो फिर भी तुम्हें किसी इनफॉर्मेशन की जरूरत है तो वीडियो में कमेंट करो मैं भी क्लीयर कर दें। तो दोस्तों अगर आप जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है उसकी गल कर लेने, जो लड़कियों लिए उसकी हाइट, लड़कियों की हाइट 5'7" होनी चाहिए है, तो लड़कियों की 5'3" होनी चाहिए है। तो जो चेस्ट का मेजूरमेंट होंगे है वह सिर्फ लड़कियों लिए एलिजिबल है, तो वह जे सिंपल है चेस्ट बिना फुलाए तो 33 इंच होनी चाहिए, जो फुला के 34.5 इंच होनी चाहिए है, जिसमें तुम रीड भी कर सकते हो सामने। तो फिजिकल टेस्ट की गल करिए 1600 मीटर की रेस है, तो लोंग जंप 3.60 मीटर की है, तो हाई जंप 1.15 मीटर की है, तो वर्टिकल रॉप जी 2 मीटर की अपन क्लाइम करनी पवेगी। तो फीमेल कैंडीडेट लिए 800 मीटर की रेस है, तो लोंग जंप है 3 मीटर की, तो हाई जंप है जो 1 मीटर की है, तो शटल होंगे जो दोस्तों 10 मीटर का गर्ल्स लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो हूँ दोस्तों नंबर ऑफ अटैम्प्ट की गल कर लिए कि कोई भी कैंडीडेट कितनी बार एग्जाम यह PCS एग्जाम दे सकता है, कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने मैनशन की हुई है। जो जनरल कैंडीडेट है वह 6 बार एग्जाम दे सकता है, जो बैकवर्ड क्लासेस ने 9 बार दे सकते हैं, जो स्कूल कास्ट जो SC कैटेगरी के ने अनलिमिटेड एग्जाम दे सकते हैं जब तक उसकी एज लिमिट खत्म नहीं होंगे। ओके दोस्तों होर जानकारी साडा चैनल जरूर सबसक्राइब करो, तो वीडियो में लाइक करो। जे तुहानू PCS रिलेटेड कोई भी इनफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट करो, मैं हेल्प जरूर करांगा।